अगर आप दोस्तों प्रोफेशनल बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं जिसका लाइफ आगे चल के बहुत ज़्यादा है और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और आपके पास पूंजी भी कम है, तो कम पूंजी में अपना खुद का ब्रांड कैसे बनवाएं और उसमें कितनी लागत आएगी और उसमें कितना प्रॉफिट होगा, किस कंपनी से बनवाएं, उसकी एमआरपी कितना रखें और जो है उसमें कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हमको प्रॉफिट होगा, ये सब सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हर्बल फेस वॉश। जैसे सब लोग जानते हैं आज का जितना पॉल्यूशन है सब लोग फेस वॉश का प्रयोग करते हैं, मेल एंड फीमेल सभी लोग यूज करते हैं। अगर आप इसमें अपना करियर देख रहे हैं, फार्मा लाइन में घुसना चाहते हैं या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवा के अपनी कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन पूंजी कम है, तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके सेल्स की कला सीखिए। जब आपको देखिए कोई भी काम करने के पहले दोस्तों, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, मार्केटेड बाय करिए, कुछ भी बिजनेस अगर आप अपना कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स की कला। तो यहाँ पे आप एक अपना प्रोडक्ट ला करके सेल्स की कला सीखिए। जब सेल्स की कला आपके अंदर आ जाएगी, मार्केट की छोटी बड़ी तकनीकी आपको पता चल जाएगी, कहाँ पे आदमी फ्लॉप होता है, हम अपने कैसे अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये सब जानकारी जब आपको आ जाएगी तो आप दोस्तों किसी बिजनेस में फेल नहीं होंगे, वो बिजनेस आप अपना ऊपर लेते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज हम इसमें बात जो कर रहे हैं हर्बल फेस वॉश की, तो दोस्तों 50 ml, 100 ml, 200 ml, सबसे ज़्यादा 50 ml, 100 ml, 200 ml में बिकता है और वो हर्बल पे आज लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं क्योंकि केमिकल वाले प्रोडक्टों से आदमी दूर भाग रहा है। तो इसको आपको बनवाना है, क्या करना है, उसके पहले आपके पास दोस्तों घर में कोई भी ब्रांड पड़ा होगा या हर्बल फेस वॉश यूज करते होंगे, तो आप कंपनी में जाके क्या मांग, किसी दुकानदार से क्या मांगते होंगे कि हमको एक नाम आपने लेते होंगे, जैसे कोई आपने नाम ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड या गोल्ड माइन कोई नाम आप ले लिया। मैं यहाँ किसी कंपनी के ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी को मोटिव नहीं कर रहा हूँ। तो आपने गोल्ड माइन मांगा, गोल्ड माइन से स्वाद दे, तो आपने क्या किया, एक यूनिक सा नाम गोल्ड माइन मांगा, तो क्या हो गया, वहाँ पे एक नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, वो नाम उस कंपनी का ब्रांड नेम होगा या वो कंपनी उस ब्रांड नेम को पॉपुलर की होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रांड नेम यूनिक हो गया। अब आप उसको उसमें अंदर क्या क्या है, या तो आपने उसको यूज किया होगा या किसी के द्वारा ये जानकारी आप तक पहुंची होगी, उसको आपने यूज किया होगा। तो दोस्तों क्या हो गया, आपने ब्रांड नेम से मांगा और हर्बल फेस वॉश में मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियों से बना होता है, कभी कभी ये मल्टी जड़ी बूटियों से बना हुआ भी आता है, अलग अलग भी आते हैं, जैसे एलोवेरा के अलग आते हैं, नीम फेस वॉश अलग आता है, अलग ढंग से, लेकिन यहाँ पे हम कम्बिनेशन वाला बात कर रहे हैं। तो वो कम्बिनेशन कौन सा है, ये कम्बिनेशन जब आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस समय जब आप कंपनी से बनवाने जाएंगे और या मार्केट का आप एक सर्वे कर लेंगे कि मल्टी हर्ब में कौन सा सबसे ज़्यादा बिक रहा है या सिंगल यूज वाला बिक रहा है, तो उसी को आप बनवाएंगे। तो कंपनियों के पास रिकॉर्ड होता है, आपको फार्मूला लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी के पास ऑलरेडी फार्मूले होते हैं, आप जाएंगे और कहेंगे हमको हर्बल फेस वॉश इतने ml में चाहिए, वो हो जाएगा। चलिए आगे अभी और चर्चा करेंगे। अगर हम इसमें पूरा डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो सारी प्रक्रिया आप कितने भी नए हैं तो आप अगर बैठ के अस्थिले से उसके बारे में सोचा जाए तो आप एकदम सही ढंग से जान जाएंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण इसको फैट में बताना पड़ता है। तो दोस्तों आपने क्या किया, ब्रांड नेम ले लिया, अब इस एक ब्रांड नेम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी कि कॉपीराइट। तो ब्रांड नेम का एक लोगो भी आप करवा लेंगे जिससे आपका ब्रांड नेम और लोगों से आपकी कंपनी की आपकी पहचान होगी। तो आपने उसका क्या किया, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। कॉपीराइट कोई इसका डुप्लीकेटिंग ना करे इसीलिए करवाया जाता है। तो हो गया दोस्तों आपने, और उस पर कुछ चीज देखे होंगे दोस्तों,
प्रिंटेड होते हैं, जैसे उसकी एमआरपी, बैच नंबर, वेट या कब का बना है, इंट्रैक्शन कुछ रहते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ऐसा ये सब आपको अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये सब जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ और आपको चाहिए, एमआरपी। एमआरपी दोस्तों आपका ब्रांड नेम और एमआरपी चाहिए। तो ब्रांड नेम और एमआरपी, एमआरपी आप मार्केट का सर्वे कर लेंगे, जैसे जो कंपनियाँ 50 ग्राम में 100 ग्राम में क्या रेट में बिक रहा है, तो 50 ml में जो रेट मार्केट का वही रेट रखिए, बहुत ज़्यादा हाई ना रखिए, उससे 10-20 रुपए ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप ऊपर रख रहे हैं तो उसी हिसाब से डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आपका नाम हो गया, एमआरपी हो गई। एक चीज़ और चाहिए आपको जो मेन होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। इसके लिए आपको एक रूम की जरूरत पड़ी, हालांकि इसको आप घर से भी कर सकते हैं, या कोई ऐसी सिटी का चुनाव कर लीजिए कि आपको, हमको नहीं ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे ले जाना है। शुरुआत में तो आप घर से भी कर सकते हैं, बाद में अपना ऑफिस जो है कहीं किसी अच्छी सिटी में सेटअप कर सकते हैं। तो वहाँ पर रजिस्टर्ड होने के लिए क्या चाहिए, एक रूम चाहिए। अब आपके पास रूम हो गया, रूम में कुछ कागजात की जरूरत होगी। तीन चीज़ें मेन होता है कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ब्रांड नेम, लोगो, एमआरपी और रजिस्टर्ड ऑफिस, ये हो गया। अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे करेंगे उसी पे आपको कुछ कागजात की जरूरत पड़ेगी, जो कागजात इस स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा है, इसी कागजात पे हम थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद और छोटे मोटे कागजात होते हैं दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कमेंट बॉक्स में जाना और पूछना, मैं पूरी जानकारी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपका उस कागज क्या चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या किसी सेल्टेक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं, वो अपने लिए आपसे कुछ मेहनताना ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, इस प्रकार की एक उद्योग आधार नंबर है दोस्तों। अगर आप इसमें रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कुछ बैंकों से आसानी से लोन मिल सकता है सब्सिडी के साथ। इसके लिए आप नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट दोस्तों फूड प्रोडक्ट आता है, या कोई भी चीज आप चेहरे पे या बॉडी पे अपने लगाते हैं तो उसके लिए आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। FSCI रजिस्ट्रेशन 100 रुपए में दोस्तों एक साल के लिए होता है, फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ब्रांड नेम हमने चर्चा कर लिया, लोगो हमने चर्चा कर लिया, अब आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां तीन कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। आपको करंट अकाउंट खोलवाना पड़ेगा जिससे कंपनियों को पेमेंट करना होगा। और दोस्तों क्या है कुछ अदर लाइसेंस में, जैसे आप किसी स्टेट से हैं या दोस्तों किस देश से हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में चलती है, तो दोस्तों उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन यह एक बहुत बेटर गोल्डन बिजनेस है दोस्तों, इसमें आपका करियर कभी फ्लॉप नहीं होगा। ये चीजें हो गई। उसके बाद आ गया दोस्तों टाइप्स ऑफ सेल्फ बिजनेस के लिए, ऑफलाइन, ऑनलाइन या अपना ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। अब आपके जो रिक्वायरमेंट थे प्रोडक्ट लॉन्च करने के, सारे रिक्वायरमेंट पूरे हो गए हैं। अब आपको चलते हैं कंपनी ढूंढना है, किससे बनवाना है। इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहां सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आ गए हैं। अब आप आगे बढ़ाते जाइए नंबर वाइज सारी कंपनियों का आ जाएगा, उसमें लिखा होगा हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप उस किसी एक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उनके पूरे डिटेल आ जाएंगे, अबाउट आ जाएंगे, उनके क्लाइंट आ जाएंगे। जिस कंपनी को आपने खोला आप देखेंगे, वो कंपनियाँ अपनी पूरी डिटेल दिए रहती हैं, हम क्या क्या बनाते हैं और हमारा क्या टर्म कंडीशन है, सारी डिटेल रहेगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। यहाँ तक कि वो लोग अपने क्लाइंट भी देते हैं, मैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों का बनाता हूँ। तो इसी ढंग से आप 4-5 कंपनियों को देख लीजिए दोस्तों। फिर वहाँ जाने के बाद, हालांकि आपको यहीं से कॉन्टैक्ट नंबर से ही, आपके घर से ही
आपके ऑफिस से ही एक प्रोडक्ट बन के आपके यहाँ आ सकता है, लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे सबसे पहले आप कंपनी में विजिट करिए, भले आपका कुछ पैसा खर्च होगा, इससे आपको एक जानकारी होगी, जानकारी की बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ जब आप विजिट करेंगे, कंपनी भी देख लेंगे, फ्रॉड होने के कोई चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो जिस कंपनी का आपको सस्ता लगे या जिन कंपनी की यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनवाती हैं, वहीं से आप भी अपना प्रोडक्ट बनवाइए। वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो ये सब आप देख लिए। अब उसके बाद जब उनके यहाँ आपका फाइनल हो जाएगा जो रेट, तो जो दोस्तों पैकिंग डिजाइन, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अपने प्रोडक्ट की पैकिंग और कलर आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसके लिए आप 5-6 जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हों फेस वॉश, उनको आप मार्केट में सर्वे करिए, उनकी डिजाइन देखिए, उनके कलर देखिए। अब आपको उनसे नकल नहीं करना है, उनसे अच्छा लेके मार्केट में आना है। जब आप एक उनसे अच्छा लेके आओगे तभी तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अब आपने उनसे अलग, तो ये डिजाइन और कलर क्या आपका होगा, ये जिस कंपनी से आप बनवाएंगे उनको आप बता देंगे, उसी हिसाब से डिजाइन आपके प्रोडक्ट के कर देंगे और वही कलर आपको देंगे। तो इस ढंग से आपका सब कुछ रेडी हो गया। आप कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, ऐसा आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। आप रॉ मटेरियल से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल होती है, 2 साल में के लिए आप बहुत लंबी बैच नहीं बनवाएंगे। हालांकि ज़्यादा बड़ा आप बनवाएंगे, क्वांटिटी में आप ज़्यादा बनवाएंगे तो आपको 1-2% सस्ता पड़ सकता है, लेकिन उसकी एक्सपायरी होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अभी आप नए हैं इसलिए आप छोटी बैच बनवाइएगा, छोटे क्वांटिटी में, भले 2% महंगा हो। जब आप फीक जाइए मार्केट में, आपकी अलग एक पकड़ बन जाए, तो आप बड़े बड़े बैच बनवा सकते हैं। इसी तरह से आप दोस्तों उनसे प्रोडक्ट बनवा करके क्वालिटी से समझौता नहीं करिएगा। ये छोटी मोटी जानकारियाँ होती हैं, तो बनवा करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करिए, बेचिए, सेल्स की कला सीखिए। तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, उसी ढंग से एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट करिए, 2 से 3 करिए, 3 से 4 करिए। इसी तरह से एक बहुत बड़ी कंपनी आप बना सकते हैं, अपने आत्मविश्वास से, अपने धैर्य से, अपनी इच्छा से, अपने दृढ़ संकल्प से। कोई भी काम अगर आप करना चाहेंगे, दिल से करना चाहेंगे, एक हौसले के साथ करना चाहेंगे, नहीं हमको इसमें कुछ करना है, तो दोस्तों कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोगों की बायोग्राफी है, अगर आप उठ के यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल हैं, सबकी एक एक उनकी जीवनी की बायोग्राफी डिटेल में बताए हुए हैं। सब लोग एक छोटे से उठ करके, नीचे से उठ करके बड़े पे गए हैं। कोई 3 साल में कामयाब हुआ, कोई 4 साल में कामयाब हुआ, कोई 10 साल में कामयाब हुआ, लेकिन जिसके अंदर दृढ़ शक्ति है वो कामयाब हुआ है। तो इस ढंग से दोस्तों आप अपनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं। जब आपके पास 8-10 प्रोडक्ट हो जाए, तब आप दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। अभी हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे, तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। जब आपको बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले ही आपका अपना प्रोडक्ट क्वालिटी का बन रहा है, अपना प्रोडक्ट बन के लॉन्च कर सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की क्या जरूरत है। इस ढंग से दोस्तों अपना प्रोडक्ट बनवाइए, लॉन्च करिए। आपको कहीं भी कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पे दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और मैं बहुत जल्द ये ऑफलाइन इसकी बिजनेस कोचिंग क्लासेस चलाने वाला हूँ, आप वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा करने में हमारे पास कुछ तकनीकी या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। आप वहां पे कांटेक्ट करिए, हमारे भी कांटेक्ट में कुछ लोग हैं, लेकिन मैं उनका नंबर नहीं देना चाहता हूं, नहीं तो ये होगा कि आपका वहां से कमीशन फिट होता है। फिलहाल आप दोस्तों यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको हेल्पफुल हुई। अगर जानकारी लगता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको दूसरे को भी शेयर करें, तो 4-5 लोगों को कम से कम दोस्तों शेयर करके उनको भी हेल्प करिए, वो भी आगे जानकारी बढ़ाएं, जिससे वो एक दूसरा भी अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस लॉन्च करे, बेरोजगारी दूर हो, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।